फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज मैं आपको क्रिस्पी क्रंची मैगी बनाना सिखाती हूँ। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए सबसे पहले हम अपने पैन में एक गिलास पानी डालकर इसको बॉयल करेंगे। गैस का फ्लेम फुली रखिए और इस तरह से इसको कवर कर दीजिए। पानी को बॉईल होने दीजिए। पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें अपने दो स्लाइस मैगी के डालेंगे और इसको अच्छी तरह पकने देंगे। एक बार हम इसको पलट देते हैं। अच्छे से बॉईल होने दीजिए मैगी को। देखिए एक बार इसको हम चेक करते हैं, हमारी मैगी भी बॉईल होने पर आ चुकी है। एक दो सेकंड इसे और पकाएंगे। देखिए हमारी मैगी बॉईल हो चुकी है। अब इसको हम एक छलनी में छान लेते हैं और गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। इस तरह से इसको छान लेते हैं और एक दो मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। अब इसमें मैं दो बड़े चम्मच अरारोट को डालूंगी और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करिएगा। सारी मैगी को अरारोट में हमें इसी तरह से लपेट देना है। अच्छे से इसको मिक्स करिए चारों तरफ से। देखिए इसमें हमारा अरारोट पूरा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम अपनी एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने रखेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दीजिए। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी मैगी को डालेंगे। गैस के फ्लेम को फुली रखिएगा। इस तरह से हम अपनी मैगी को करारी होने तक इसको फ्राई करेंगे। देखिए हमारी मैगी भी क्रिस्पी होने पर आ रही है। आपने कई तरह की मैगी खाई होगी, वेज मैगी, चाइनीज मैगी। आप एक बार इस तरह से मैगी को बनाकर देखिएगा, आपको एक अलग ही टेस्ट मिलेगा। देखिए आप मैगी को दो फोक की सहायता से इस तरह से फ्राई करिए, जो ये अंदर से रह जाएगी नहीं तो। अंदर से हमें इसको बिल्कुल डीप फ्राई करना है। इस तरह से इसको अलग अलग कर कर करते रहिए जब तक ये हमारी एकदम क्रिस्पी ना हो जाए। तो दिख रही होगी, देखिए आपको इसी कढ़ाई में दिख रही होगी मेरी मैगी एकदम क्रिस्पी हो चुकी है। अब हम अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको बाहर निकालते हैं। देखिए इस तरह से एक आप छलनी में इसको आसानी से निकाल लीजिए। इसको आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए आप इसकी आवाज़ से ही पता लगा सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी हो चुकी है। देखिए अब एक पैन में हम अपनी सॉस को डालेंगे और पैन को गर्म होने दें। ये दो बड़े चम्मच मैंने सॉस लिए। अब इसमें हम अपनी मैगी को मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखिएगा।
आप दो फोक की सहायता से इसमें अपनी सॉस को मिक्स करिएगा। देखिए हमारी इसमें सॉस मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें अपना मैगी मसाला ऐड करूंगी। ये दो पाउच का मेरा मैगी मसाला है, इसको अच्छे से मिक्स करिएगा। आपकी मैगी इसमें एकदम क्रिस्पी रहेगी, ऐसा नहीं है सॉस डालने के बाद ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से आप इसको अच्छे से मिक्स करिएगा। देखिए मिनटों में ही हमारी क्रिस्पी क्रंची मैगी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व करेंगे। अब इसको हम अपनी प्लेट में निकालते हैं। अब देखिए मैं इसमें आपको एक ऐसी चीज़ डालकर दिखाती हूँ जिसका इसका लुक और भी अच्छा हो जाएगा। ये मैंने मेयोनीज को एक कोन में करा हुआ है। अब इसको मैं इससे इस पर गार्निश करूँगी। आप इस तरह से इसको इस पर डालिए। इस तरह से देखते ही बच्चों को खाने का इसका मन करेगा। देखिए हमारी क्रिस्पी क्रंची मैगी बनकर रेडी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।